आपको लगता है कि अंबेडकरवाद देश की जरूरत है? अंबेडकरवाद को समझिए, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, मैत्री, हर इंसान को बुनियादी सुविधाएं और सम्मान का जीवन मिले। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर गवर्नमेंट कोई काम करे तो वो जाति धर्म से ऊपर उठ के सभी के लिए हो। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी ना हो जिसमें किसी का कोई नुकसान हो। निगेटिव सोच के साथ गवर्नमेंट काम ना करे, पॉजिटिव सोच के साथ काम करें। देश की आजादी के इतने साल बाद भी अगर लोग लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं तो इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। अब वो बुनियादी सुविधाओं पर बात भी होगी और नए अवसर कैसे तैयार हों। देश का नौजवान सड़कों पर है, बेरोजगार है, देश का किसान परेशान है, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है और ना ही रोजगार है लोगों पे। लोग सुबह उठ के जाते हैं बिकने के लिए लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं होता, क्योंकि देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ है। अभी सबके लिए काम करना है, महिला सशक्त हों और सुरक्षित हों। दिल्ली में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उन महिलाओं को फील कराना है कि वो भी इस देश में बराबर की इज्जत के साथ जिए। अभी तो सरकारों ने सब झूठे वादे किए हैं, सरकार ने जो वादे किए उनको पूरा कराने के लिए सरकार से सवाल करेंगे। आपको लगता है कि कई जगह नाम बदले जाने की एक राजनीति होती है कि इसका नाम रख दो, उसका नाम रख दो, अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ दो, और एक दबाव की एक सोसाइटी है जो कि दबाव के अंदर काम करती है? ये निगेटिव थॉट है और ये इस निगेटिव थॉट को कब तक देश सींचता रहेगा ये सवाल है। देश आजाद हो गया, अब भी अगर जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर उत्पीड़न होता है तो देश को सोचना चाहिए। लोग इंसान है और इंसानों की वैल्यू होनी चाहिए। अगर कोई जाति धर्म के नाम पे किसी का किसी का शोषण करेगा तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और लोग मरने के लिए पैदा नहीं हुए, चाहे वो माँ सोने की चम्मच से दूध पिलाने वाली माँ हो या चाहे वो टूटी चम्मच से, हर माँ को अपने बेटे से प्यार है। सबकी सबकी जीवन सुरक्षित होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है आपसे, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की जरूरत है और मैं प्रयास करूंगा आजाद समाज पार्टी के जरिए वो पार्लियामेंट में। एक आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ईवीएम में किसी ने दोष नहीं दिया इस बार के रिजल्ट में, आपको लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है या फिर अपोजिशन का एक बहुत बड़ा चिन्ह है ईवीएम? देखिए, जिन चीजों पे संदेह होता है उन पे चर्चा होती है। पिछली बार भी बहुत सारी चर्चा हुई थी और चर्चा होनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये लोकतंत्र हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमने यही कमाया। इसमें रानी का बेटा राजा नहीं बनता है, राजा वो बनता है जिसको जनता मत देती है। तो अगर कहीं भी संदेह होता है तो उस पर सवाल खड़े होने चाहिए और उसका जवाब उसको इलेक्शन कमीशन को भी और सरकार को देना चाहिए। एक्सपेंशन कैसे करेंगे यूपी में? बहुत मेहनत करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, पूरे देश में करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो एक बहुत बड़ा समाज उम्मीद लगाए बैठा है कि चंद्रशेखर आजाद के जरिए बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा होगा।